रहा है, क्योंकि जो आपने केस की चर्चा की, तो ये तो राजनीतिक मुकदमे होते रहते हैं और एक एक्टिविस्ट को हर समय इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपके ऊपर फर्जी केस आपको लगाए जाएंगे। तो वो तो सारे एक्ट, जो ऐसे लोग जो सवाल कर रहे हैं व्यवस्था पे, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हर समय जो दमनकारी शोषणकारी व्यवस्था है उनको चुनौती दे रहे हैं, उनके ऊपर तो मुकदमे होंगे ही होंगे, उसमें क्या परेशानी है? नहीं, वो बहुजन समाज इस तरह से सड़कों पर उतरा है, मैं खुद था वहाँ, उसको लेकर क्या लग रहा है कि अब लोग आर पार की लड़ाई की मूड में? ऐसा है, समाज और राजनीति की अपनी दिशा और गति होती है, और जिस तरीके से जो वर्तमान शासन है, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, वो एक तरह से कहें ना, कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो बहुत दिन बाद ये शासन में आए हैं और उनको लगता है कि मनुस्मृति लागू कर लेंगे और पुष्यमित्र सिंह का शासन आ गया है, पेशवाई शासन आ गया है, इसलिए ये टकराव है, दो विचारधाराओं का टकराव है, ये अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद का टकराव है, और जो लोग व्यवस्था में वो चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करें और मनु का संविधान लागू करें, इसलिए पिछले 3 साल का पूरा घटनाक्रम अगर देखेंगे इस रजीम में, तो चाहे ऊना हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे भीमा कोरेगाँव हो, चाहे अबाध निजीकरण हो, आरक्षण की समीक्षा हो, या आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, नजीब का केस आ रहा है, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, काउ लिंचिंग हो रही है, और तमाम इसको डिफेंड करने वाले जो झंडे उठा के जो लोग चल रहे हैं उनको भी आप देखिए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये घटना नहीं संकेत है, और आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि इसका कारण ये है कि पिछले 50-60 वर्षों में दलित वंचित आदिवासी जमात से, अल्पसंख्यक जमात से, विशेष रूप से दलित जमात से एक ऐसा तबका निकल के आया है जो पढ़ा लिखा है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, जिसके अच्छे घर हैं, जो अच्छे गाड़ी में चलता है, तो जो सवाल कर रहा है आपकी व्यवस्था पे, तो इनको सवाल करने से परेशानी हो रही है, और इनकी जो माइंडसेट है वो देखना कैसे चाहते हैं लोगों को कि लोग कैसे दिखने चाहिए, लोग दलित और आदिवासी दिखने चाहिए फटे कपड़े में, बाल उनके बिखरे हुए हों, टूटे बर्तन में खाना खाएं, झूठा खाना खाएं, मकान टूटा हुआ हो, गले में घड़े बांध के चले, झाड़ू बांध के चले, वो इनकी मनोवृत्ति है, इसी मनोवृत्ति को लागू करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दो प्रवृत्तियों का टकराव है, ये परंपरा और आधुनिकता का टकराव है। आप बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी बहुत महीन खेल रही है, किसी एक बड़े सुप्रीम कास्ट नेता को कभी राष्ट्रपति, कभी कोई मंत्री बना दे, गुस्सा साहब। देखिए, इस व्यवस्था में हजारों साल से मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत मुक्ति संभव है, एक व्यक्ति को राजा बना दो, आप प्राचीन काल से उठाकर देखें तो उस समय भी बहुत सारे शूद्र यहाँ पर राजा हुए हैं, इवन नंदाज और मौर्यास, ये लोग भी कोई क्षत्रिय नहीं थे, ये तो इनकी चालाकी होती है कि एक को उसमें से निकाल लो, उसको राजा बना दो, उसको क्षत्रिया बना दो, लेकिन जमात की मुक्ति की बात मत करो। आज पिछड़ी जाति का रट लगाने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आज दलित समुदाय के राष्ट्रपति हैं, तो ये जवाब तो उनको देना चाहिए ना कि आपके होते हुए क्यों अबाध निजीकरण हो रहा है, क्यों दलितों के हक मारे जा रहे हैं, क्यों वंचितों पे हमले हो रहे हैं, क्यों ऊना हो रहा है, क्यों सहारनपुर हो रहा है, क्यों भीमा कोरेगांव हो रहा है। तो ये हम जानते हैं कि ये व्यक्तिगत रूप से एक इंडिविजुअल को निकालते हैं और उनको प्रतीक बना के दिखाते हैं कि भाई इनको हमने राष्ट्रपति बनाया, तो आपको राष्ट्रपति आपने बनाया, तो आपको प्रधानमंत्री किसने बनाया, आपको अधिकार किसने दिया, आपके भी अधिकार संविधान से आ रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री इस देश की जमात ने, इस देश की जनता ने बनाया है, इसलिए आपको जो जनवादी जो सवाल हैं, चाहे किसानों का हो, मजदूरों का हो, दलितों का हो, अल्पसंख्यक का हो, आदिवासियों का हो, ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो मीडिया जवाब दे रही है ना, मीडिया का कहना है कि आप 200 साल पहले अंग्रेज की जीत का जश्न मना रहे थे, अब मुसलमान के बाद शेड्यूल कास्ट के लोग भी एंटी नेशनलिस्ट है ना, ऐसा है ना, इतिहास के पन्ने पलटेंगे ना, कोर्ट निकाल के आपको मुंह ढकने का जो है ना वो कम पड़ जाएगा, कोर्ट इतिहास के पन्ने ना पलटे, जिस कौन लोग ना पलटे, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे महार, तो एक बात बताइए, 1857 हुआ तो इस देश के राजे महाराजे अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ रहे थे, राय बहादुर और सर की उपाधि लेने वाले अंग्रेजों के मुखबिर दलाल नहीं थे, बताइए टीपू सुल्तान जब लड़ रहे थे अंग्रेजों से तो अंग्रेजों की मदद करने वाले राजे राजवाड़े कौन लोग थे, तो ये सब ये इतिहास पलटेंगे तो बहुत दिक्कत होने लगी, तो टेलीविजन लेकिन कर दिया ना बीजेपी, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना ये इनका खेल है, ये पूरा ब्राह्मणवादी शक्ति का खेल है, टेलीविजन से क्यों नहीं लड़ेंगे, टेलीविजन से भी लड़ेंगे, जिस जमाने में टेलीविजन नहीं था, जिस जमाने में अखबार नहीं थी, तो लोगों ने यहाँ आंदोलन नहीं चलाया क्या, आंदोलन चलाया ही नहीं इस देश में, तो ये टेलीविजन और अखबार वाले ये ना कहें कि आपकी आपकी वजह से हमारा आंदोलन चल रहा है, सड़कों पे लड़ेंगे आपसे, वो तो कह रहे आरक्षण कोई सोल्यूशन नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण सत्ता और संसाधन में बंटवारा कर लो ना, फिर आरक्षण नहीं सोल्यूशन है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन
इस देश को बनाया हम लोगों ने, इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने। तो आप बंटवारा कर लीजिए ना सत्ता और संसाधन। आपको लगता है मेरी अभी जिग्नेश से एक बात सवाल पूछा था, वो पेशवा को लेकर वो डिफेंड कर रहे हैं कि मैं पेशवा नहीं बोलता, क्या लगता है पेशवाई दौर खत्म हो गया है या महीन हो गया है? ऐसा है, ये ओल्ड वाइन, मैंने पहले कहा ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ये सोच है, ये जनेऊ कनेक्शन, इसका समझिए मीडिया का भी जनेऊ कनेक्शन है। वो बार बार एक बार बताइए, लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं में हुई थी, और मैं टीवी चैनल पे था, टीवी चैनल जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मराठा बनाम महार दिखा रहे हैं, दलित दिखा रहे हैं, हिंदू बनाम दलित दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे जो शक्तियां हैं वो पेशवाई मानसिकता, वैसे लोग जो साजिश कर रहे हैं इस देश में, आपको ये तलाशना पड़ेगा कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी शक्तियाँ हैं जो कभी यादवों को दलितों के खिलाफ खड़ा कर देती है, कभी जाटों को दलितों के खिलाफ खड़ा कर देती है, कभी पाटीदारों को दलित के खिलाफ खड़ा कर देती है। मैं गुजरात इलेक्शन में था, और मैं नौजवान साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो युवा पीढ़ी बाहर निकल के आ रही है, वो समझ रहे हैं कि यहाँ की ब्राह्मणवादी शक्तियाँ जो हैं वो हम लोगों को आपस में भिड़ा रही है। इसलिए आप देखिए पाटीदार का मूवमेंट, चाहे अल्पेश ठाकुर हो, चाहे पटेल हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, सब एक मंच साझा कर रहे हैं। और एक शिक्षक, एक छात्र होने के नाते और एक्टिविस्ट होने के नाते, मैं कल भी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन में था, मैं देख रहा हूँ कि दलित वंचितों और अल्पसंख्यकों में एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। यही वो लोग थे जो कभी सामने छदम लड़ाई लड़ने की तो इनकी आदत है, ब्राह्मणवादी शक्तियों को सामने कभी चिकंडी को खड़ा कर देंगे। कभी जो आपके जो चुने हुए नेता है वो बहुत डिफेंसिव खेल रहे हैं साहब, वो सबके सब देख रहे हैं कि मुंह में दही जमा हुआ है। ऐसा है, ये सब पूना पैक्ट का बाई प्रोडक्ट है, ये सब पार्टी टिकट देती है। जिस देश के पार्टियों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं हो, आंतरिक लोकशाही नहीं हो, और आला कमान के थ्रू वो चलता हो पार्टी, तो यहाँ तो उसी को टिकट दिया जाता है, उसका पहले रीढ़ चेक कर लिया जाता है कि इसके अंदर रीढ़ है कि नहीं, चेक कर लेते हैं कि जब रीढ़ नहीं है, जुबान नहीं है, मालिक मालिक कहेगा, जी हजूरी करेगा, उसको तो आप एमएलए और एमपी बनाते हैं। तो नेता देखिए, आप एमएलए एमपी भले हो जाए, लीडर बनता है आंदोलन से। और जिस तरीके से युवा साथी हमारे सड़कों पर आ रहे हैं, 9 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं ना संसद मार्ग पर, हम लोग आंदोलन से नेता तैयार होता है और आंदोलन से नेता तैयार करेंगे। और ये जो लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं, इन्हीं की वजह से तो हमारी हालत है। अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता और हम अपने नेता खुद चुनते होते, तो अगर भीमा कोरे गांव में डंडे चलते, पत्थर चलता, और सहारनपुर में डंडे चलते, और बिंदी कुमारी वहाँ कांड होता भागलपुर में, या ऊना कांड होता, या विश्वविद्यालयों में आप दमन करते, तो आपकी बाह नहीं ना, आपकी सरकार उखाड़ देते, तब आपके मेरे हमारे वोट की ताकत आप समझ पाते। एक सवाल बताइए, ये इतिहासकार के नाते पूछ रहा हूँ, आप इतिहासकार हैं, जो सड़कों पर जनसैलाब निकल रहा है, टेलीविज़न अखबार जो भी कहे, क्या लग रहा है कि अब बहुजन समाज अब सहने के लिए तैयार नहीं है? भीमा का कोरेगांव भी जो है ओल्ड वाइन न्यू बॉटल में फिर रिपीट होगा। और संविधान हमें अधिकार देता है, और सबसे बड़ा अधिकार हमें वोट का अधिकार है। वहाँ तो 500 लोगों ने हराया था इनको, और हमारे पास जो अभी जमात है 85% पॉपुलेशन है। तो हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से वोट के द्वारा भीमा कोरेगांव रिपीट करेंगे, और 2019 में इनका बोरिया बिस्तर बांध देंगे, तब इनको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी में, लोकशाही में वोट की ताकत क्या होती है। एक आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कि जिस तरह से युवा सड़कों पर निकले हैं, हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं कि अम्बेडकर की वापसी होगी, वापसी होगी, अब वो देख रहे हैं कि एक वापसी की तरफ है, और जो तमाम जो लोगों ने बलिदान दिया, चाहे वो फूले हों, पेरियार हों, जगदेव प्रसाद हों, ललई यादव हो, एक SC ST OBC माइनॉरिटी, अब लगता है कि एक मंच पर लोग आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। भीमा कोरेगांव हुआ, और देखिए देश भर में प्रदर्शन हुए, लोग सड़क पर आए, विश्वविद्यालयों में आए, हर स्टेट में प्रदर्शन हो रहा है। वो तो धीरे धीरे आप कितना दिन रोक लेंगे, अब युवा पीढ़ी तैयार हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी तो ग्लोबल वर्ल्ड है ना, आप हमें पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं, इंटरनेट के थ्रू बहुत कुछ पढ़ लेंगे। तो लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लगातार लिख रहे हैं, मेरे ही वॉल पे जाके देखिए हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो वो विचार आप व्यक्ति को मार सकते हैं, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, आप डंडे चला सकते हैं, लेकिन विचारों की हत्या थोड़ी होती है। वो तो विचार तो वो बीज होता है, जिसको जितना दबाएंगे वो बट वृक्ष होकर निकलेगा। बहुजन अब किसको नेता चुने, क्योंकि बहुत धोखा खा चुका है वो अपने लोगों से। आंदोलन, आप नेता हर समय इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में समझते हैं कि एमएलए एमपी विधायक, वो नहीं, नेता और जन आंदोलनों से नेता बनता है। कांशीराम जी वो सांसद बनने से पहले नेता थे, वो तो हमें अभी एमएलए विधायक, हमें सेनापतियों की तलाश है, और सेनापति जो सामाजिक आंदोलनों से सड़कों पे आके निकले, और देश भर में एक दो अभी कांशीराम जी की और डॉक्टर अम्बेडकर की ज़रूरत थोड़ी है, हमें सैकड़ों की संख्या में, हमें हज़ारों की संख्या में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मैं आश्वस्त हूँ, विश्वस्त हूँ कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी रिस्पॉन्ड करे, कहाँ डर रहा है इनसे,
आप जो भी कर लीजिए, भीमा कोरेगांव ऊना कर लीजिए, सहारनपुर कर लीजिए, वही नहीं डर रहा है, लोग बाहर तो आ ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं कि हर गांव में और हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक भीमा कोरेगांव का स्तूप बने। हाँ लिखा है मैंने, और लिखने का कारण ये है कि एक युद्ध के कई मायने होते हैं। अगर भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ तो अंग्रेजों के लिए उसके मायने दूसरे थे और पेशवाओं के लिए मायने दूसरे थे, और जो उसमें 500 लोग महार जो लड़ रहे थे उसको उसके मायने दूसरे थे। क्योंकि हमको लगता है अगर 500 लोग अगर 28,000 को हरा रहा था, विश्व का अनोखा ये उदाहरण होगा, विश्व का अनोखा उदाहरण होगा। आखिर क्या कारण है? सिर्फ सामरिक रणनीति की वजह से उन्होंने हराया होगा? नहीं, हजारों साल का जो आक्रोश, इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको समझना पड़ेगा, हजारों वर्ष का आक्रोश जो उनके अंदर था वो करो और मरो के रूप में बाहर निकल कर आया। एक बनाम 56 अनुपात निकालिए तो एक आदमी इधर और 56 उधर, उन्होंने हिसाब किताब बराबर कर ली, तो आप समझिए कितना दबाएंगे अभी। अब तो ये आदमी की 21वीं सदी है, आप 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे एक बार कहने पे हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग शामिल हो जा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये लड़ाई आप भले जितने पत्थर चलाने हैं चला ले, डंडे चलाने हैं चला ले, आ रहा आने वाला चुनाव गुजरात में 99 पे अटका दिए गए, जितना रो रो के गागा के चुनाव आ रहा है, 19 में आपका बोरिया बिस्तर बांध देंगे, आप ओरिजिनल जगह से जहाँ आए थे वहाँ जाके आप भजन कीर्तन करेंगे।